हेलो गाइस, वेलकम टू स्पाइडर्स वेब चैनल। दिस इज गौतम खरे साइनिंग इन। तो आज का टॉपिक क्या है, आज के टॉपिक पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो पहले हम बात करेंगे। जो पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट आर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो है वो है टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। थर्ड जो है हाउ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वर्क, कैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। और फोर्थ जो है डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये सब पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो अभी क्या है, व्हाट आर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है, देखो सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ठीक है। जब डिवाइसेस जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मान लो वो डिवाइसेस कोई भी हो, जैसे कि मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, या फिर आईओटी डिवाइसेस क्यों ना हो, ये जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं वायर्ड और वायरलेसली, तो उनको एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना होता है, उसे हम कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया है। अब जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स डिफाइन क्या करता है कि डेटा कैसे फॉर्मेट होता है, ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है, कि वो जो डिवाइसेस जो होते हैं उनको वो डेटा ठीक से इजीली अंडरस्टैंड और इंटरप्ट करने के लिए हो, ओके। तो इसे कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो गाइस, आपने टीसीपी आईपी लेयर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, मैंने आपको इसके पहले के कुछ वीडियोस में से एक वीडियो में टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में डिस्कस करके आपको बताया है। तो ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल में चार लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, ठीक है। तो ये जितने भी लेयर्स हैं चारों, ये चारों लेयर्स को ना एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना होता है, हर पर्टिकुलर लेयर को, एप्लीकेशन लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को, नेटवर्क लेयर को, नेटवर्क इंटरफेस लेयर को, इनको एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना होता है, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया है पहले से ही है। तो फिर ये जो टीसीपी आईपी लेयर का ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन लेयर में जैसे एप्लीकेशन कनेक्ट होते हैं, मान लो आप सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो रहा है, तो वो कैसे कनेक्ट होगा, ठीक है। अभी एचटीटीपी से कैसे कनेक्शन होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपने मोबाइल में से इंटरनेट ब्राउज किया है तो वो कौन सा कनेक्शन यूज करेगा, एचटीटीपी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या नेटवर्क प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं वो है एचटीटीपी, एफटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, डीएनएस। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर फॉलो करता है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, टीसीपी, यूडीपी। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो टीसीपी देखता है और यूडीपी देखता है, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर, नेटवर्क आप जो इंटरनेट के ऊपर जो भी आप ब्राउज करते हैं वो कौन सा लेयर फॉलो करेगा, आईपी, एआरपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, ठीक है। और सेम वैसे ही नेटवर्क इंटरफेस लेयर वो क्या फॉलो करेगा, प्रोटोकॉल्स इथरनेट, टोकन लिंक, अदर लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स, तो ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कैसा है, तो ये पर्टिकुलर जितने भी लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, उन लोग को पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं और उसी को हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कहते हैं, तो ठीक है। जब डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना होता है। डिवाइस कैसे भी कनेक्ट करेंगे, लाइक वायर कनेक्ट करेंगे या फिर वायरलेस से कनेक्ट करेंगे, उनको ये रूल्स फॉलो करने ही करने हैं, तो ठीक है। तो ये जो फिगर है, जो डायग्राम है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स में क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ठीक है। हाउ नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क्स। तो पहला जो है डेटा फॉर्मेटिंग। तो डेटा फॉर्मेटिंग में क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या करता है, डेटा को है ना
डिवाइड करता है, ब्रेक करता है पैकेट्स में, ऑफरिंग भी कह सकते हैं उसको, पैकेट्स ऑफरिंग में ब्रेक कर देता है ताकि डिवाइसेस को ठीक से अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में वो लेके आ सके और ठीक से डिवाइसेस आपस में इंटरेक्ट कर सके। ये हो गया डेटा फॉर्मेटिंग। सेकेंड जो है वो है एड्रेसिंग। प्रोटोकॉल जो है असाइन करता है यूनिक एड्रेसेस डिवाइसेस को, जैसे कि आपको पता ही है आईपी एड्रेस, फिर मैक एड्रेस पता ही आपको, ठीक है। ये किस लिए यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है, ताकि सेंडर्स और रिसीवर्स को ठीक से आइडेंटिफिकेशन मिले। थर्ड जो है वो है डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा ट्रांसमिशन क्या है, जो डेटा पैकेट्स होते हैं जो सेंड होते हैं नेटवर्क में, ठीक है, वो टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जैसे कि इथरनेट यूज करते हैं, वाईफाई यूज करते हैं। ये किसलिए यूज करते हैं इथरनेट और वाईफाई, ताकि आपस में डेटा का कोलिशन ना हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये हो गया डेटा ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ वन वो है राउटिंग। अब राउटिंग क्या है, अब ये राउटर्स और स्विचेस जो है प्रोटोकॉल ये डिटरमाइन करता है कि ये राउटर और स्विचेस में से ठीक से डेटा ट्रांसफर हो, ताकि वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ठीक से पहुंच सके। तो ये हो गया राउटिंग, राउटर्स एंड स्विचेस, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है एरर डिटेक्शन। देखो प्रोटोकॉल्स इंक्लूड करता है कुछ मैकेनिज्म्स उसमें, ये देखने के लिए ताकि बीच में कुछ एरर ना आए, वो डिटेक्ट कर लेता है इधर। हेंस प्रोटोकॉल इंक्लूड्स मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। अब सिक्स वन जो है वो है कनेक्शन मैनेजमेंट। अब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स आपको पता है, जैसे कि TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करता है कनेक्शंस, मेंटेन करता है कनेक्शन या टर्मिनेट भी करता है कनेक्शंस। क्यों, ठीक से डेटा आपस में एक्सचेंज हो इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन इंटरैक्शन। अब प्रोटोकॉल ये भी एनेबल करता है कि एक्सचेंज ऑफ डेटा नेटवर्क में ठीक से हो, जैसे कि एग्जांपल आपको बताओ तो HTTP है, SMTP है, तो प्रोटोकॉल एनेबल्स एप्लीकेशन टू एक्सचेंज डेटा ओवर द नेटवर्क। ये हो गया। अब आ गया सिक्योरिटी पे, 8.1 है सिक्योरिटी। तो कुछ प्रोटोकॉल्स है ना एंक्रिप्शन भी यूज करते हैं, ठीक है, सिक्योर कनेक्शन के लिए। ये हो गया सिक्योरिटी के बारे में। अब आता हूँ स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉलोज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर कंपैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, हाउ नेटवर्क प्रोटोकॉल वर्क्स, ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में आपको इजीली समझा दिया है। तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे TCP एंड UDP के डिफरेंसेस। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो पहला जो पॉइंट है इसका वो है कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेस। अब TCP जो है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब क्या, इसका डेटा एक्सचेंज होने से पहले वो कनेक्शन जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में एस्टैब्लिश करता है, समझे, कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा एक्सचेंज होने से पहले। अब UDP क्या करता है, ये है कनेक्शन लेस, मतलब वो डेटा एक्सचेंज होने से पहले कनेक्शन मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। ये सिंपल है, फास्टर है। और अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका ये है रिलायबिलिटी। TCP जो है हाईली रिलायबल है, ठीक है, ये गारंटी करता है कि ना डेटा जो सेंड हुआ है करेक्टली हुआ है, करेक्ट ऑर्डर में हुआ है। अगर इसके पैकेट्स अगर ना खो भी गए या फिर करप्ट भी हो गए ट्रांसमिशन के टाइम पे, तो TCP क्या करता है, रिट्रांसमिट करता है पैकेट्स को, ठीक है। और अभी UDP क्या करता है, ये गारंटी नहीं करता है रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है। ये अगर पैकेट्स ट्रांसमिशन के टाइम पे करप्ट हो गए या फिर लॉस्ट हो गए, ये फिर से रिट्रांसमिशन नहीं करता है। तो ये जो पॉइंट है इसका रिलायबिलिटी का, ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है पैकेट हेडर ओवरहेड। अब TCP क्या है, TCP पैकेट्स हैव लार्जर हेडर कंपेयर टू UDP,
यूडीपी क्या है? यूडीपी है स्मॉलर हेडर्स रिजल्टिंग इन लोअर ओवरहेड। फोर्थ जो पॉइंट है इसका वो है फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। टीसीपी इंक्लूड्स फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स एंड यूडीपी डज नॉट इंक्लूड फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म्स। फिफ्थ जो पॉइंट है इसका वो है कनेक्शन स्टेट। टीसीपी मेंटेन्स अ कनेक्शन स्टेट ऑन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर व्हिच रिक्वायर्स मोर सिस्टम रिसोर्सेज। समझे? टीसीपी क्या करता है, मेंटेन करता है कनेक्शन स्टेट को सेंडर और रिसीवर के बीच में, और यूडीपी क्या करता है, यूडीपी वैसा नहीं करता है, इट डज नॉट मेंटेन कनेक्शन स्टेट रिजल्टिंग इन लोअर रिसोर्सेज यूजेस। ये जो डिफरेंस है हम लोग टीसीपी और यूडीपी का वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो गाइस ये आज का टॉपिक है वो हो गया खत्म। तो गाइस हमारे स्पाइडर स्वेब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे हिट करना। थैंक यू।